तो वेलकम बैक दोस्तों एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों कुछ दिन पहले IQ ने अपने एक फ्लैगशिप क्लास स्मार्टफोन IQ न्यू 7 प्रो को लॉन्च किया था, जो कि 40,000 के अंदर काफी तगड़ी स्पेसिफिकेशन लेकर आता है। लेकिन अब यहाँ पर IQ की तरफ से एक और स्मार्टफोन इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है IQ G7 Pro 5G। ये स्मार्टफोन का एक फोटो सामने निकल कर आया है, जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर इस स्मार्टफोन की थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन भी कन्फर्म होकर आ चुकी है। तो बात करते हैं इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये इंडिया में कब तक और किस प्राइस में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही टेक वीडियो हम आपको फ्यूचर में दे सके। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक और डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के लुक और डिजाइन के साथ देखने को मिल सकता है, जहाँ पर बैक के साइड में प्लास्टिक का पैक दिया जाएगा, और वहीं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कैमरा मॉड्यूल जिसमें डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जिसका साइड का फ्रेम होगा वो थोड़े बहुत कर्व एजेस के साथ मिलेगा, क्योंकि इसके फ्रंट में आपको पंच होल वाली एक कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि इस फोन का मेन हाईलाइट होगा। तो डिजाइन फोन के अंदर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 6.78 इंचेस की FHD प्लस रेजोल्यूशन वाली एक AMOLED डिस्प्ले होगी, जिसके साथ मिल जाएगा 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट, और इसी के साथ 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको एक कर्व डिस्प्ले मिलेगी, तो यहाँ पर जिसके चिन्ह और बेजल्स होंगे वो काफी पतला और थिक देखने को मिल जाएगा, तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी बेस्ट डिस्प्ले रहेगी। और वहीं फ्रंट साइड में एक सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अगर बात रहे इसके कैमरे की, तो इसके रियर साइड में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा विद OIS के साथ, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है, और जिसका मेन कैमरा होगा वो काफी तगड़े लेवल का होगा, जिससे आप 4K 30fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। तो यहाँ पर कैमरा सेटअप काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको मिलने वाला है कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 782G का पावरफुल 5G चिपसेट, जो कि कॉलकॉम का लेटेस्ट और काफी पावरफुल प्रोसेसर है, और ये चिपसेट आपको OnePlus Nord CE3 के अंदर भी देखने को मिल जाता है। बाकी रैम और स्टोरेज यहाँ पर आपको 6128/8/128GB तक का रैम और स्टोरेज वेरियंट देखने को मिलेगा। LPDDR5 की रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट मिलने वाला है, एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ फन टच OS 13 पर रन करेगा, और इस डिवाइस में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल तक का होगा, तो नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़ा स्मार्टफोन रहेगा। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और इसको चार्ज करने के लिए 18W के फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ टाइप सी पोर्ट 3.5mm जैक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट मंथ अगस्त के सेकंड वीक या फिर मिड तक देखने को मिल सकता है, और दोस्तों इसकी स्टार्टिंग प्राइस 25,000 के आसपास रहेगी। और वैसे आपकी क्या राय है ये स्मार्टफोन को लेकर कमेंट बताइएगा जरूर, और ये भी बताइएगा कि आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।